गाजीपुर बॉर्डर से लगातार ये कवरेज आप देख रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और यहाँ तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, आपको बता दें एक तरफ आंदोलन जारी है, अनशन शुरू हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच क्या किसी भी तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है, इस बात की आशंका भी यहाँ पर किसानों के मन में, उनके जेहन में है। और उससे भी बड़ा सवाल, जिस तरह से नोटिस पकड़ाया गया है राकेश टिकैत को, क्या आज रात हो सकते हैं वो गिरफ्तार। फिलहाल आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर में उनके परिवार के सदस्यों की भारी मौजूदगी थी और वहां पर किसानों ने महापंचायत बुलाई है ताकि आगे की रणनीति को लेकर वो फैसला कर सके। आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये नहीं होगा, क्या हुआ, क्या जा रही है, बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं, प्रशासन ये प्रशासन ये अब क्या, अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे, आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा, पूरे पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करना। आज राकेश टिकैत की आंखों में आंसू है और आवाज में दर्द है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, एक बार फिर सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा। ये नहीं होगा, क्या हुआ, क्या की जा रही, बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं, प्रशासन ये अब क्या, अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे, आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा, पूरे पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करना चाहते हैं, क्या क्या बात, देश के किसान बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे किसान, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ, आज अचानक क्या हुआ, वापसी होगा, आज अचानक क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारे किसान को बर्बाद करने पड़ेगी, नहीं छोड़ने का, ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई, नहीं खाली करने का, नहीं, मेरे मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, ऑपरेशन टिकैत की है। आप देख सकते हैं कि गाजीपुर में शाम से ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें इस वक्त वो मंच से किसानों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार उनकी ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए किस तरह से काफी ज्यादा आक्रामक मूड में वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि राकेश टिकैत को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को लेकर अब यहाँ से निकला जाएगा। भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी, और आपको बता दें ये गाजीपुर फ्लाईओवर है, इसके दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और वहां पर तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं, एक लाइन से लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं। एक तरफ मंच से ये कहा जा रहा है कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाना हो गोली चलाइए, गिरफ्तारी करना हो गिरफ्तारी करिए। राकेश टिकैत लगातार संबोधित कर रहे हैं, वो भी तब जब बातचीत हो गई है प्रशासन के साथ, उनकी बातचीत काफी देर से चल रही थी, उस बातचीत के वो बीच में उठे आकर संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए किसान किस तरह से उनको काफी ध्यान से सुनते हुए। पहले भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को धरना स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई।
जैसे ही प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया, थोड़ी देर किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सत्तू है, सिंधु है, वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, और न तिरंगे का वहाँ पे हुआ, उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल का इंतजाम किया गया, लेकिन टिकैत ने आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। क्या बातें करी उन्होंने? मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यही रहेंगे? और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना ये धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2,00,000 झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी, ये गाँव लेकर आएगा पानी, आएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच गहमा गहमी जारी है। आज तक ब्यूरो लगातार आज तक पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आपको बता दें कि पीछे राकेश टिकैत और उनके साथ ही तमाम किसान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और वहां पर आगे की रणनीति को लेकर फैसला किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं चाहूंगी, ये तिरंगा झंडा भी यहां पर लहराया जा रहा है। आपको वैसे भी बताते चले, जो कुछ भी हुआ था लाल किले पर उसको लेकर यहां पर बार बार कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसने देश को शर्मिंदा करने का काम किया। लेकिन यहां पर आपको बताते चले, किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है, अनशन शुरू हो चुका है। ये कब थमेगा, कब रुकेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ किसान है तो वहीं दूसरी तरफ जवान है। इन सब के बीच बार बार आशंका इस बात को लेकर भी कि क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, सरकार क्या करेगी, क्या आज रात में कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसकी संभावना फिलहाल अब बेहद कम नजर आती है। लेकिन सवाल इसको लेकर भी पूछे जा रहे हैं, फिर आगे सरकार का रुख पूरे मामले में क्या रहने वाला है, क्योंकि 26 जनवरी तस्वीरों के बाद, खासतौर से लाल किले की तस्वीरों के बाद, अब सरकार भी काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड में है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी दो टूक गाजीपुर बॉर्डर से कह दिया है कि हम तो यहां से नहीं हटेंगे। आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोक क्या किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, कौन रोका ट्रैक्टर, ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे हैं। हमने तो सिसोली वाला, मायावती वाला परिसर देखा, जो एक जो जो एक 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 गांव को 23,000 पुलिस ने घेर के 2,800 आंसू गैस के गोले गांव पे चले हो, तो हमने तो देख रखे। तो ये तो है ही नहीं कुछ भी, प्रेशर से ना होगा, ये बातचीत से समाधान होगा। हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो जानते नहीं थे कुछ भी, उनको दिल्ली के सड़कों में चक्रव्यूह में फंसाया गया। और हमारे वॉलंटियर और हमारे जो पदाधिकारी हमारे थे, उन्हीं की बड़ी जिम्मेदारी से वे लोग 4 और 5 बजे से दिल्ली के चक्रव्यूह में से फंस के वे सब लोग अपने गांव की तरफ गए। उनका कोई मकसद नहीं था कि वे हिंसा कर डाना। हिंसा का शब्द हमारी में डिक्शनरी में था, ना है और ना रहेगा। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारे किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता इस देश के संविधान में हम सभी को मिली हुई है, लेकिन आपको बताते चले उसको लेकर भी तमाम तरह के नियम और कानून आड़े आ जाते हैं जब उसका भी अतिक्रमण होते हुए दिखता है। एक तरफ किसान जो उसी अभिव्यक्ति के तहत अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस की तस्वीरों के बाद उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए। आपको बताते चले कई हिस्सों से इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई जहां पर किसानों के खिलाफ
लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर पब्लिक वर्सेस प्रदर्शनकारी, सिंघु बॉर्डर पर पब्लिक वर्सेस प्रदर्शनकारी, रेवाड़ी में प्रदर्शनकारियों को पब्लिक का अल्टीमेटम, 24 घंटे का इनको समय है, या तो इसको खाली कर दो और नहीं तो दूसरी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तीन राज्यों की तीन तस्वीर बताती है, दो महीने से सड़क पर आंदोलन करने वालों के खिलाफ गुरुवार को जनता भी उतर पड़ी। सबसे पहले देखते हैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच इस फ्लाईओवर पर पिछले 64 दिन से यह रास्ता बंद है। 64वें दिन जब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन का भारी बंदोबस्त आंदोलनकारियों को धरना स्थल छोड़ने के लिए कहने पहुंचा, तभी हाथ में तिरंगा झंडा लिए कुछ स्थानीय लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाते हैं, जो दो तरह के नारे लगाकर दो महीने से प्रदर्शन करने वालों का विरोध करते हैं। एक नारा है बॉर्डर खाली कराने के लिए, हम इस वक्त गाजीपुर जो 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 आंदोलन स्थल है जहां पर तमाम दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए थे वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी है और पुलिस के जवान भी हैं, यहां पर भारी संख्या में आ रहे हैं और यहां पर पहुंच करके इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं सीनियर ऑफिसर्स वो भी मौजूद हैं। आरोप लग रहा है कि जो लोग विरोध करने पहुंचे वो स्थानीय बीजेपी नेता के कहने पर आए, लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले हजारों लोगों ने 64 दिन तक बीच सड़क पर प्रदर्शनकारियों के बैठने से रोज जाम का सामना करके अपनी जिंदगी के बड़े वक्त को सड़क पर ही बिता दिया है। इसी तरह प्रदर्शनकारी और स्थानीय जनता के बीच आमना सामना सिंघु बॉर्डर पर भी होता है। देखिए सिंघु बॉर्डर पर यह जनता है, दूसरी तरफ दो महीने से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी। आंदोलन करने वाले कृषि कानून वापस चाहते हैं, यहाँ की जनता ये रास्ता खाली कराना चाहती है। विरोध का अधिकार इनके पास है तो सड़क पर चलने की आजादी इनके पास भी। क्या डिमांड करने आए हैं? बॉर्डर खाली करवाना है जी। बॉडी खाली क्या करते हैं आप? हम यहाँ जूते वाले गोदाम है यहाँ जी, इंडस्ट एरिया, यहाँ काम काम धंधे का नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है जी, दो महीने से घर पे बैठे पड़े हैं। रास्ता बंद होने से यहाँ आसपास के इलाके में काम मंद और जाम चालू रहने से जनता परेशान रही। इसके अलावा लाल किले में तिरंगे के अपमान को लेकर भी नाराजगी सिंघु बॉर्डर पर आकर इन लोगों ने जताई। हमारी गाड़ी चाहते हम, गाड़ी आने जाने की दिक्कत होता बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत दिक्कत होता हमें, इस चक्कर में आए। इतने दिन तक कितनी मुश्किलें हुई आप लोगों को? बहुत मुश्किल हुई है। 60 दिन क्यों नहीं आए आप लोग, अब तक क्यों नहीं आए प्रोटेस्ट? आए थे पर हम चलो कोई बात नहीं, मान जाएंगे, पर तिरंगा का पर अपन करा लाल किले में जाके, हम भी गरीब है, ये भी गरीब है, कोई बात नहीं, पर इन्होंने अपमान करा तो इसका मतलब आना पड़ेगा ना। हमारी सबकी एक है आवाज, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब वहाँ पे लाल किले पे जिस बंदे ने झंडे को नीचे फेंका, वहाँ से इस मूवमेंट से हमारी इमोशनल अटैचमेंट अलग हो गई। तीसरी कहानी दिल्ली से 77 किलोमीटर दूर रेवाड़ी के उस हाईवे पर नजर आई, जहाँ दो महीने से किसान सड़क बंद करके आंदोलन करते आ रहे हैं। इनके खिलाफ भी 20 गांवों ने पंचायत करके पुलिस के माध्यम से धरने की जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया। हमारे आस पड़ोस के तकरीबन 20 गांव डूंगरवास की ग्राम पंचायत में इकट्ठे हुए थे और उस पंचायत में सभी गांवों ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि भी हमारा इलाका यहाँ गंदा कर दिया है इनने, यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, पूरी फसल तोड़ दिया है, रोड तोड़ दिया, पानी की पाइपलाइन टूट चुकी है। इस आधार के ऊपर सभी ने मिलकर ये काम किया। दूसरा, इनने जो कल पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया, उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और एक हर एक आदमी का एम है कि इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। 24 घंटे का इनको समय है, या तो इसको खाली कर दो और नहीं तो दूसरी कार्रवाई की जाएगी। संविधान ने विरोध का अधिकार सभी को दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है विरोध करने का अधिकार अपने आप में संपूर्ण नहीं बल्कि कुछ पाबंदियों के साथ है। संभव इसी कारण 64 दिन तक प्रदर्शन के
पूर्ण समर्थन में दिखती रही जनता तब उस आंदोलन के विरोध में आई जब एक के विरोध का अधिकार दूसरे के लिए परेशानियों की वजह बनने लगा। कुमार अभिषेक और कुमार कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस के रडार पर कई नेता हैं। कईयों को नोटिस भेज दिया गया है तो कईयों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि चुन चुन कर अब इनको पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद अपने हिसाब से करेगी कार्रवाई। 25 की शाम को यह समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनके उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि कल जो हुआ उसमें जो दो संगठनों और व्यक्तियों का नाम आया है उनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। ये साजिशन हुआ, आंदोलन को तोड़ने के लिए हुआ, लेकिन आंदोलन की कॉल तो हमारी थी। हमारा कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं है। सरेंडर आप नहीं करेंगे? अरे बात तो करेंगे ना। नोटिस चिपका दिया गया है दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ। अरे जो मैं कोई डर रहा, नोटिस चिपका दिया तो मैं कानून को मानने वाला आदमी हूँ। क्या आप सरेंडर करेंगे? क्या आप लाल किले पे जो हुआ है वो किसने करवाया, वो कौन सी एजेंसी उसकी जांच करेगी, वो एजेंसी का नाम भी बता दो ना कौन। वक्त गुजरता हुआ चला जा रहा है लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर सबके जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा। एक तरफ किसानों की मौजूदगी तो वहीं भारी तादाद में, दूसरी तरफ जवानों की मौजूदगी। क्या रात में कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल इसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है लेकिन आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। गाजीपुर बॉर्डर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।